नाम है प्रसाद जी खोरवाल। आप कहाँ से आए? हम बम्बई से आए, रिवदास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और हम ये लेटर लेके आया कि राजनाथ सिंह जी को देवे और हमारे नवल साहब को देवे कि हमारे गजट में नाम नहीं है बॉम्बे में। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान हुई जब से हम रेगर समाज रह रहे हैं उधर, फिर भी आज तक हम बहुत सी कोशिश कर लिए, पुणे जाके भी लेटर दिए हैं, कई जगह पे भी लेटर दिए हैं, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं आता है। तो हम विनती करने को इधर आए हैं, गजट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। हाँ, ना चाहिए। अभी आपने वहाँ बोला कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ था, हाँ उसी टाइम गए हम। उस समय तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो बात ही नहीं थी, हिंदुस्तान की तो कोई बात ही नहीं थी। उस समय बात थी भारत और पाकिस्तान की। नहीं ऐसा नहीं, हाँ भारत और पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ भारतवर्ष, सिर्फ वन भारतवर्ष, नहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ ना। आपकी क्या मांग है? आप ये हमारी मांग ये है कि हमारे बच्चों को खुद उधर बेनिफिट नहीं मिलता, स्कूल में कोई दाखिला नहीं मिलता है। अच्छा। और बहुत परेशानी होती है, अनुसूचित जाति में हमारा नाम नहीं है, और हमको कुछ नहीं मिलता। इसके लिए हम इधर आए हैं बॉम्बे से, 25 लोग और भी आए अलग गुट के, लेकिन ये मांग हमारी पूरी होती नहीं है। महाराष्ट्र के लोग मानते नहीं है कि तुम रेगर हो तो तुम तो अनुसूचित जाति में हो ही नहीं। हमको इधर राजस्थान में मानता है, दिल्ली में मानता है, उधर महाराष्ट्र में नहीं मानता। इसके लिए हम लोग इधर प्रयास करने को आए। ये आपके पास लेटर दूसरा है? है, है। इसको जरा एक बार क्या ब्रेक साउंड करते हैं। इनकी मांग है कि जो ये महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, इनको जो गजट है, जो जाति का गजट है, उसके अंदर इनका नाम नहीं है, अनुसूचित जाति का इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन ये जो आज आए हैं माननीय राजनाथ सिंह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको देने के लिए आए हैं, और ये लेटर, और आज इस पर भी चर्चा हुई ये तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आई, और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में एक युवा साथी और है, इनके अंदर जोश है कि बाबा साहब का जय भीम के नारे ज़्यादा लगाते हैं। तो आप यहाँ इतनी तादाद के अंदर युवा लोग आए हैं, और आज जैसे कि एक परंपरा चली आ रही है, अभी जब सरकार बनी थी मोदी जी की, हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, लेकिन आज 1 लाख नौकरियां भी नहीं मिल रही, तो आप कैसा प्रतीत करते हैं? आज की स्थिति में युवा बहुत बेरोजगार है, युवा की स्थिति बहुत कमज़ोर है, और इससे सबसे ज़्यादा पीड़ा तो ये है कि एससी समाज की सबसे ज़्यादा पीड़ा है। न उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, न कोई योजना का फायदा मिल रहा है, आरक्षण में भी नए नए अड़ंगे डाल रहे हैं, नई नए तरीके निकाल कर नौकरियों में एक लोचा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था से सभी एससी समाज बहुत बड़ी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र ऐसा, मेरा नाम पूर्व पार्षद हूँ, मैं मालपुरा से आया हूँ, पूर्व पार्षद, और राजस्थान से आया हूँ, गजेंद्र बोरा है मेरा नाम। धन्यवाद।